वन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, लंबे इंतज़ार के बाद यहां पर ऑफिशियल अपडेट सामने आया है और एक पर्टिकुलर जोन से जो है पैनल पार्ट टू जारी हो चुका है। जी हां, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, यहां पर जो है साउदर्न रेलवे चेन्नई की तरफ से पैनल पार्ट टू जारी हो चुका है। अभी अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर पैनल पार्ट टू आया है जिसमें 962 कैंडिडेट को शामिल किया गया है। तो चलिए कंप्लीट अपडेट हम देख लेते हैं और पहले पैनल में कितने स्टूडेंट को लिया गया था, दूसरे पैनल में स्टूडेंट को जो लिया गया है, टोटल कितनी सीट्स यहां पे फुलफिल हो चुकी है, कितनी सीट्स यहां पे वैकेंट है, पूरी कैलकुलेशन आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं और जाके देख लेते हैं कि क्या कुछ अपडेट दिया गया है। उससे पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर मैं आ गया हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पर, RRCSR यानी कि साउदर्न रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे। जब हम आते हैं तो इस वाले सेक्शन में यहाँ पे ग्रुप डी के पूरे अपडेट्स हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट यानी कि यहाँ पे पार्ट पैनल वन पहले ही जारी हो चुका था। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूँ, पार्ट पैनल वन में टोटल 7,960 कैंडिडेट को जो है शामिल किया गया था चेन्नई जोन की तरफ से। अभी यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं एक दूसरा अपडेट भी आया, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट पार्ट टू यानी कि सेकंड पैनल यहाँ से जारी हो चुका है। इसको जब हम लोग डाउनलोड करते हैं, तो मैंने ये पहले से डाउनलोड भी किया था लेकिन मैं फिर से कर लेता हूँ, तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं टोटल जो है लगभग 962 कैंडिडेट का ये पैनल जारी हुआ है, ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है। साथ ही आपको मेरे टेलीग्राम के ग्रुप में भी अपडेट मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल साउदर्न रेलवे और प्रोविजनल पार्ट पैनल टू यहाँ पे जारी हो चुका है। प्रोविजनल पार्ट पैनल ऑफ 962 नंबर ऑफ कैंडिडेट टू वेरियस पोस्ट इन साउदर्न रेलवे एंड ICF अगेन सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 1/2019। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जो है 962 कैंडिडेट का ये पैनल जारी हुआ है। कैंडिडेचर ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन दिस पार्ट पैनल इज प्योरली प्रोविजनल एंड लाइबल टू बी कैंसिल इन केस ऑफ एनी, यानी कि यहाँ पे कहा गया कि कोई भी प्रॉब्लम बाद में होती है कोई डॉक्यूमेंट में तो आपको यहाँ पे बाहर ये लोग कर सकते हैं, इतना राइट ये लोग रखते हैं। द रिमेनिंग वैकेंसीज विद फिल्ड आफ्टर रिसीविंग द मेडिकल फिटनेस ऑफ कैंडिडेट बाय कॉलिंग एडिशनल कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू फिल वैकेंसी राइजिंग आउट ऑफ एबसेंटी। देखो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली थर्ड पॉइंट में एक बात बोल दी है कि जो भी मेडिकल फिटनेस में भी पेंडिंग में है उनका पैनल बाद में आएगा, और जो भी यहाँ पे स्टूडेंट की कमी लगेगी वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से कराया जाएगा एबसेंटी कैंडिडेट्स के लिए। यानी कि ये चीज़ क्लियर है कि सेकेंड DV या थर्ड DV वगैरह यहाँ से आपके आने वाले हैं। ठीक है, ये बात यहाँ से कन्फर्म हो जाती है। फोर्थ पॉइंट में ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट विल बी चेक अगेन बाय रेलवे, तो जब आप ज्वाइनिंग पे जाते हैं वहाँ भी आपके डॉक्यूमेंट सारे चेक होते हैं, आपको पता है अच्छे से। पांचवें पॉइंट में कहा है वाइल एवरी केयर हैज़ बीन टेकन इन प्रिपेयरिंग दिस प्रोविजनल, ठीक है पूरी केयर से बनाया गया फिर भी यहाँ पे कोई दिक्कत हो सकती है, तो ये यहाँ पे बेसिक पॉइंट इन्होंने डिस्कस किए थे। आगे यहाँ पे पूरी लिस्ट इन्होंने जारी कर दी है 962 कैंडिडेट की। द कैंडिडेट्स हैविंग द फॉलोइंग रोल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे आपको दिए गए हैं। रोल नंबर असिस्टेंट वर्कशॉप की पोस्ट मैकेनिकल डिपार्टमेंट में यहाँ पे 24 स्टूडेंट को मिली है। असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल डिपार्टमेंट यहाँ पे जो है नीचे जाके देखते हैं तो 60 स्टूडेंट को मिली है। असिस्टेंट ब्रिज की बात करूं तो टोटल 6 कैंडिडेट को मिली है। असिस्टेंट CNW कैटेगरी नंबर 3 जो है यहाँ पे 79 स्टूडेंट को मिली है। असिस्टेंट डीपो स्टोर 19 स्टूडेंट को मिली है। असिस्टेंट लोको शेड डीजल यहाँ पे 15 स्टूडेंट को मिली है। पॉइंट्समैन की जो पोस्ट है यहाँ पे फिर से 123 कैंडिडेट को मिली है। असिस्टेंट सिग्नल टेलीकॉम 47 स्टूडेंट को मिली है। असिस्टेंट ट्रैक मशीन 78 स्टूडेंट को मिली है। असिस्टेंट TLAC जो है यहाँ पे 74 को मिली है। TLAC वर्कशॉप 4 स्टूडेंट को मिली है। असिस्टेंट TRD 17 स्टूडेंट को मिली है। असिस्टेंट वर्क्स यहां पे 15 स्टूडेंट को मिली है। असिस्टेंट वर्कशॉप वाली जो है 1 स्टूडेंट को मिली है। हॉस्पिटल असिस्टेंट 5 स्टूडेंट को मिली है। और ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 यहां पे टोटल 212 कैंडिडेट को मिली है। उसके बाद CCA वाले भी हैं यहां पे 7 स्टूडेंट, ये हैं 25 हैं जिनको असिस्टेंट वर्कशॉप मिली है। असिस्टेंट डिपो 1 स्टूडेंट को मिली है। असिस्टेंट लोकोशेड यहां पे 7 स्टूडेंट को मिली है। लोकोशेड इलेक्ट्रिकल 2 को मिली है। पॉइंट्समैन 1 को मिली है। सिग्नल टेलीकॉम 7 को मिली है। इस तरह से यहां पे पूरी लिस्ट है। ट्रैक मेंटेनर भी यहां पे मिली है अगर बात करते हैं 90 स्टूडेंट को, तो ये लिस्ट तो मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, आप जाके देख लेना। अब यहाँ पे कैलकुलेशन की थोड़ी बात कर लेते हैं, तो पैनल नंबर 1 जो आया था उसमें टोटल यहाँ पे 7,960 कैंडिडेट को शामिल किया था। अब पैनल नंबर 2 आया है तो 962 कैंडिडेट यहाँ पे शामिल किए गए हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं तो 8,922 हो जाएगा ये आपका टोटल। अगर बात करते हैं यहाँ पे वैकेंसी की, तो वैकेंसी यहाँ पे थी टोटल आपकी 9,579। इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो अभी यहाँ पे निकल के आएगा 657 सीट्स पे अभी भी यहाँ पे पैनल आना बाकी है। कुछ स्टूडेंट हो सकता है मेडिकल में अभी पेंडिंग में हो, कुछ स्टूडेंट DV में पेंडिंग में हो सकते हैं और कुछ यहाँ पे एबसेंट भी होंगे। तो मान के चलो 657 में से कम 400 के आसपास तो सीट यहाँ पे सेकेंड DV के लिए बिल्कुल 100% आपकी बची जाएंगी। इससे ज़्यादा ही हो सकते हैं, कम होने की तो उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। तो चेन्नई की तरफ से अभी अभी पैनल आया था, आपको अपडेट दे दिया है। टेलीग्राम ग्रुप में PDF आपको मिल जाएगा।
जाएगा। बाकी किसी भी जोन का अपडेट आता है सबसे पहले आपको सूचना दूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को बिल्कुल प्रेस कर लेना, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना जो भी सिलेक्ट हुए हैं, वहां पे आपको म्यूचुअल फाइंड करने में बहुत ही आसानी होने वाली है।